घर घर मोदी हर हर मोदी करके उनको वोट दिया था। क्योंकि जिनको हमने अपना भविष्य का संरक्षक माना, प्रधानमंत्री बनाया, वोट दी, उन्होंने ही हमारा भविष्य हमसे छीन लिया। इतने सारे बच्चे हैं बाहर, अब उसके आग जलती रहती है, थोड़ी देर उसमें बैठ जाते हैं, फिर जाके कंबल में घुस जाते हैं। हो सकता है तो सभी बेडों को हम अटैच करके थोड़ा पास पास सो जाते हैं, जिससे ठंड कम लगे। तो ये छात्र जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, ये सर्द रातों में, हम जाते देश में ठंड का मौसम है, सर्दी है, उस सबके बावजूद ठंड में ये रातें यहाँ पर काटने वाले हैं तमाम स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट्स कौन है, ये छात्र कौन है, अभ्यर्थी कौन है? ये वो एयरफोर्स आर्मी नेवी के अभ्यर्थी हैं जिनकी ज्वाइनिंग जो है वो अटकी हुई है जब से अग्निपथ योजना आई है, ये दावा है। और पहले से भी प्रोसेस जो है भर्ती का रुका हुआ था इन सभी स्टूडेंट्स का। आज हमने इनसे बात की और एक बात ये भी इन छात्रों ने बताया कि पहले आप रैन बसेरे में रह रहे थे, क्योंकि मैंने ये पूछना चाहा कि भैया आप रह कहाँ रहे हैं, अगर आप देश के अलग अलग कोनों से आए हैं तो कहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, तो आप पहले बताइए कि अब तक कहाँ रह रहे थे आप? मैम, हम रैन बसेरे में जब पहले दिन हम आए तो यहाँ पे एक टेम्परेरी रैन बसेरा जो ठंड में सेटअप किया जाता है लोगों के लिए, लेकिन उसमें मच्छर भी बहुत थे और कंबल भी वहाँ पे कम थे। तो थोड़ी सी आगे चल के उसके एक परमानेंट स्ट्रक्चर है रैन बसेरे का ही, हम वहाँ पे रुके। जैसे मैम यहाँ पे ये रूल है कि 3 दिन से ज़्यादा आप एक रैन बसेरे में नहीं रह सकते, तो हर 3 दिन बाद हमें शिफ्ट करना पड़ता है। वो यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और जो दूसरा रैन बसेरा है वो 3 किलोमीटर पड़ता है। जो आपके माता पिता हैं, आप अलग अलग राज्यों से आए हैं, आपके माता पिता को फिर चिंता होती होगी कि कहाँ रह रहे हैं, कैसे हैं, स्वास्थ्य ठीक है या नहीं ठीक है, ठंड में कैसे रातें कट रही हैं? मैं मम्मी पापा तो पूछते ही हैं कैसे हो, ठीक हो, खाना खाया या नहीं, सोने के लिए अच्छी जगह है, सर्दी तो नहीं लगती, लेकिन मैम कुछ पाने के लिए थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ता है उनको भी। अब मम्मी का फ़ोन आता है तो मैं ये तो कह नहीं सकता कि ठंड में हैं बाहर रहेंगे आज, उनको तो यही बोल के काम चलाना पड़ता है कि हाँ कंबल भी है, बिस्तर भी अच्छा और सही नींद आती है। और अब छात्र कह रहे हैं कि अब क्योंकि कोई इंतज़ाम स्पेसिफिक नहीं किया गया है, रैन बसेरे भी आपने कहा कि हर 3 दिन में आपको चेंज भी करना पड़ता है, अब कोई इंतज़ाम नहीं है, इसलिए सर्द रातें यहीं पर कटने वाली हैं इन दरियों पर, इन दरियों पर ही इन तमाम छात्रों की जो रातें हैं वो कटने वाली हैं। इन छात्रों को हम देख रहे हैं कि अग्निपथ योजना के बाद इन सभी की भर्ती अटकी। चंपारण से हम जानते हैं दिल्ली तक के सत्याग्रह जो इन सभी स्टूडेंट्स ने किया, पैदल यात्रा की, और कह रहे हैं कि पेंडिंग भर्ती पूरी करो। इस पेंडिंग भर्ती की उम्मीद में सुख चैन और जो हम कहते हैं कि फूड शेल्टर क्लोथिंग सबसे ज़्यादा बेसिक नीड होती है एक इंसान की, खाना खाने का इंतज़ाम फिर कैसे हो पाता है, क्या कोई आपकी मदद करता है या आप लोग अपना अपना सब लोग देखते हैं? मैम पहले 2-3 दिन तक तो हमें खुद का अपना अपना देखना पड़ा था, उसके बाद कर्नल रामवीर मलिक सर हमारे पास आए और उन्होंने हमारा यहाँ पे कैंटीन में खाने का इंतज़ाम करवाया। उसके बाद से सुबह शाम यहाँ पे हम खाना खा लेते हैं। लेकिन मैम रहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई, क्योंकि रहन बसेरे हम गए तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि 2 लोग आ जाते हैं, 3 लोग आ जाते हैं, अब हम यहाँ पे 15-20 लोग हो चुके हैं और यहाँ से आगे और भी बढ़ेंगे, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई कंबलों की। एक रात तो हमने एडजस्ट कर लिया जैसे तैसे करके, लेकिन इतनी सर्दी में एडजस्ट कैसे करें ये सोच पाना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। मैम इतने सारे बच्चे हैं बाहर, अब उसके आग जलती रहती है, थोड़ी देर उसमें बैठ जाते हैं, फिर जाके कंबल में घुस जाते हैं। हो सकता है तो सभी बेडों को हम अटैच करके थोड़ा पास पास सो जाते हैं, जिससे ठंड कम लगे। आप अंत में सरकार से क्या कहेंगे, मतलब मैं निशब्द हूँ आपकी इस बात को सुनकर कि ठंड के मौसम में अगर हमने जैकेट भी पहनी है उसमें भी बहुत ठंड हमें लग रही है और आप यहीं पर अपनी रात जो है वो काटने वाले हैं और ये भी नहीं पता कि और कितने दिन काटने वाले हैं यहाँ पर। मैम सरकार से हमारी बस एक ही उम्मीद है, एक ही विनती है कि हम इस देश के बच्चे हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के बच्चे नहीं हैं। हमने ही घर घर मोदी हर हर मोदी करके उनको वोट दिया था। मैंने खुद ने, मेरे परदादा थे उनकी उम्र 82 साल के लगभग थी और मेरे अंकल जो थे वो एक और पार्टी के सपोर्टर थे, तो मेरे परदादा के साथ वोट डालने मैं गया था, तो अंकल ने बोला था कि नहीं नहीं बीजेपी की मत डलवाना, किसी और की डलवाना। तो मैंने दादा से पूछा, दादा जी किसकी वोट डालोगे? तो उन्होंने बोला कि मैं तो बीजेपी की डालूंगा, मैं तो मोदी की वोट डालूंगा। और मैम जब ये सब हुआ हमारे साथ तो हमें भी खुद झटका लगा, क्योंकि जिनको हमने अपना भविष्य का संरक्षक माना, प्रधानमंत्री बनाया,
वोट दी, उन्होंने ही हमारा भविष्य हमसे छीन लिया। तो अब कई छात्र, यूं तो आपने कहा कि राजनीतिक आप नहीं है, किसी पार्टी से भी आप नहीं जुड़े, लेकिन लगता है इन सबका, जब हम बेरोजगारी की भी बात करते हैं, विपक्ष लगातार आरोप लगाती है बेरोजगारी के कि देश में बेरोजगारी है, 2 करोड़ नौकरी का ये बात कही जाती है, साथ ही साथ अग्निपथ योजना की बात कही जाती है, आपको लगता है 2024 में ये सारे मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं वोट जो है उससे आपका वोट अफेक्ट होगा? मैम, वोट का तो हमें इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि राजनीति से कोई भी बच्चा इनमें से नहीं जुड़ा है, लेकिन आज भी यदि हम ARO में, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस में या CASB में, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड में कभी भी कॉल करते हैं और पूछते हैं उसका, तो बोलते हैं कि आप कुछ तो इंतज़ाम कीजिए, किसी से तो मदद मांगिए, आप सरकार के पास जाइए, आप विपक्ष के पास जाइए, आप किसी नेता के पास जाइए, किसी ऐसी हस्ती के पास जाइए जिसका लोगों पर प्रभाव हो। आज भी आपके डॉक्यूमेंट हमारे पास रखे हैं, हम भी चाहते हैं कि आपकी भर्तियाँ हों। जैसे कि मैम, जब हमने केस किया था तो सरकार की तरफ से, फोर्सेज की तरफ से एयरफोर्स के ऑफिसर्स, आर्मी के ऑफिसर्स आते थे, जब वो हमसे बाहर मिलते तो बोलते, बेटा हम तो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, आपने इतने साल तक वेट किया है, 1 साल आपके सिलेक्शन प्रोसेस में लगा, 1.5 साल लगा मैम, क्योंकि कोविड की वजह से डिले हो गया था भर्तियों में, उससे पहले से मैम 3-4 साल से बच्चा तैयारी करता है। मैं खुद अपनी बताऊँ तो 2018 में मैंने +2 की थी, उसके बाद +2 होते ही मैंने एयरफोर्स के लिए फॉर्म डाला था। पहली बार जब फॉर्म डाला और मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे तो लगा कि आसान है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर दूँगा, लेकिन मैम जब एग्ज़ाम दिया तो मैं 1 नंबर से एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया। दूसरी बार मैंने फिर एग्ज़ाम दिया, लेकिन मैम इस बार मैंने हर स्टेज पार की, फिर से मैं फाइनल मेरिट तक गया, लेकिन स्टैंड बाई आउट हो गया। स्टैंड बाई वो बच्चे होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा बुलाया जाता है कि अगर मेन जो वैकेंसी है उनमें से कुछ बच्चे एबसेंट होते हैं तो ज़्यादा बच्चे बुलाए जाते हैं। मैम कोई बात नहीं, वो भी मेरी गलती थी, मैं अपनी मेहनत में कमी छोड़ी थी, इसलिए मैं बाहर हो गया। उससे अगली बार मैम जो ये भर्ती है इसके लिए मैंने अप्लाई किया था, इसमें भी सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, अच्छे मार्क्स आए, मैं बहुत खुश था, फैमिली बहुत खुश थी। मैम मेरा आर्मी का बैकग्राउंड है, पापा भी आर्मी में थे, बचपन से मैं पापा के साथ भी रहा, जब भी उनकी पीस में पोस्टिंग आती थी, फील्ड में पोस्टिंग होती तब तो हम नहीं रह पाते थे, तो मैम मैं भी फौज से बहुत इन्फ्लुएंस था। और जब मैंने +2 की तो मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, मेरी पढ़ाई में मैं ठीक था, तो पापा ने बोला कि बेटा एयरफोर्स के लिए ट्राई करो, एयरफोर्स की नौकरी आर्मी से थोड़ी सी सुविधाओं में ज़्यादा बेटर रहती है। तो आपने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम दिया? जी मैम, एयरमैन वाला एग्ज़ाम दिया था, XY ग्रुप बोथ के लिए, जिसमें Y ग्रुप में मेरा सिलेक्शन हुआ था। मनीष, आपकी बात सुनाने के लिए हम यहाँ पर आ जाए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि जो इनके मन की बात है, और साफ तौर पर बार बार ये छात्र जो हैं वो कह रहे हैं कि किसी राजनीतिक दल से इनका कोई लेना देना नहीं है, राहुल गांधी इनसे मिले ज़रूर, लेकिन किसी भी बात को, अपने मुद्दे को का राजनीतिकरण ये नहीं करना चाहते हैं साफ तौर पर। आपने देखी तमाम इनकी बातें, और क्या लगता है आपको, आप अपनी राय ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक।